इतने थी आन की जब छटा, एक तरफ थी चिंगारी, एक चिंगा तरफ घनघोर घटा। घटा के संग तूफान भी था, बिजली घर भरेट में छल था, आला की थाक भी थी, लाखों जुल्मों के आगे भी अभिमान सत्य का नहीं सदा। एक तरफ थी चिंगारी, एक तरफ घनघोर घटा, की शक्ति महान भभक उठी भूत पर करने भारत का नूतन निर्माण। बार बार फिर उठी घटाए, बार बार गूंजा आसमान, बार बार बादल गरजे, बार बार उठा तूफान। कदम क्रांति का पढ़ा जो आगे, कदम क्रांति का पढ़ा जो आगे, अंत काल तक नहीं हटा। एक तरफ थी चिंगारी, एक तरफ घनघोर घटा, कमर जी। जय एकलिंग। जय एकलिंग। क्यों रावत जी, कैसे पधारे? नाबार के ने कमर जी को उदयपुर बुलाया है। क्यों, क्या चित्तौड़ पर चढ़ाई की तैयारी हो रही है? नहीं कमर जी, राणा जी गंगोदे में अंतिम सांस ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं रावत जी? हाँ कंवर जी, नाबार के सारे संबंध वहीं मौजूद हैं और नाबार की गद्दी का फैसला हो रहा है। गद्दी का फैसला? लेकिन ये तो पहले ही हो चुका है। बापूजी हमारे छोटे भाई जगमल को राणा बनाना चाहते हैं। पर सरदार लोग ये नहीं चाहते, वो तो मेवाड़ का राणा आपको बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको बुलाया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेवाड़ के सावंतों से कह दीजिए कि हम बापू की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। और राणा जी के अंतिम दर्शन? वो तो हमारे कर्तव्य है, हम जरूर चलेंगे। जो राणा जी की कोई और आज्ञा? कुछ नहीं, एक बार हम अपने प्रताप को देख लें। गोविंद सिंह जी गए हैं। कुमार जी अब समय का आइए। कुमार जी आइए, बचाइए कुमार जी, इसे बचाइए। जय एकलिंग। क्या इसके सिवा और क्या चाह रहा था? माँ मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चाल, जाओ जाओ कुंवर जी के पैर छुओ, मेवाड़ के धनी ने अपनी जान पर खेल कर तेरी जान बचाई है, मेरे लाल जाओ जाओ उनके पैर छुओ। मेवाड़ के सपूत बनकर जियो। अरे बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन मेवाड़ के सपूत की जान खतरे में है, इसका भी ख्याल है तुम्हें? ऐसा मत कहिए, मैं अभी धन्ना भील को बुला के लाती हूँ,
वो सारा जहर चूस लेगा। बापू, बाबूजी, बापू, बापू। फौजों के बढ़ते हुए सैलाब हमारी आजादी खतरे में पड़ चुकी। आज आगरा और चित्तौड़ के बीच मुगल फौज और रसद के काफले काफले दिखाई देते हैं। ये तो सब जानते हैं, लेकिन स्वर्गवासी महाराणा की इच्छा पर अपनी आजादी की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। त्रिभूमि के कल्याण के लिए हमने कुंवर जगमल से राजताक की प्रार्थना भी की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और कहा है बाबूजी की इच्छा के अनुसार हमें ही राज्याभिषेक होना चाहिए और जो लोग हमारा विरोध करेंगे हम उन्हें देख लेंगे। देख लेंगे कुंवर जगमल की यही मत तो तो आज मेवाड़ के सारे सामंत एक लिंजी को साक्षी रखकर ये फैसला करते हैं कि इस विकट समय में मेवाड़ी कांटों का ताज कुंवर प्रताप सिंह के सर पर रखा जाएगा। हाँ आप ठीक कहते हैं, कुंवर प्रताप सिंह का ही राजतिलक होना चाहिए। लेकिन राणा जी की इच्छा के विरुद्ध कुंवर जी इसके लिए तैयार कैसे होंगे? तो कुंवर जी को तैयार करने के लिए आप ही को जाना चाहिए, आपको अवश्य जाना चाहिए। सामंतों का कहना ठीक है, आप शीघ्र ही कुंभल पहुंचकर कुंवर जी को ले आइए। जय अखनी, जय जय। आइए काका जी, आइए बैठिए। हमें दुख है काका जी कि हम बापू के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। क्या बताएं कुंवर जी, सिर्फ महाराणा नहीं गए, मेवाड़ के सर से मेवाड़ का छत्र चला गया। खैर जैसी एक लिंग की इच्छा, जो कुछ भी होना था वो हो चुका। कहिए काका जी, हम आपकी क्या सेवा करें? मेरी सेवा नहीं, मेवाड़ के सेवक को मेवाड़ की सेवा करनी है, इसीलिए मेवाड़ी सरदारों ने आपके पास भेजा है और साथ में ये नजराना। नजराना क्या? आप खुद ही देख लीजिए। अरे ये तो मिट्टी है। हाँ यह मिट्टी है, इसका एक एक कण मेवाड़ी सुरमाओं के खून से रंगा हुआ है। इसमें पापा रावत, राणा कुंभा, राणा सांगा की आत्माएं सो रही हैं। कुंवर जी आपने पहचाना नहीं इसे? क्या मतलब? यह मातृभूमि मेवाड़ की मिट्टी है, मातृभूमि इस मिट्टी के रूप में आपको बुलाने आई है। लेकिन काका जी, लेकिन कैसे? जरा ये दूसरे डिब्बिया में उस पद्मसी मेवाड़ी प्रजा के तड़पते हुए आंसू भी देखिए, तोड़ के तीसरे शाके में बहाए हैं। काका जी इन आंसुओं में हजारों विधवाओं के सुहाग, सैकड़ों माताओं की ममता और लाखों निर्दोषों के प्राण तड़प तड़प कर आपको पुकार रहे हैं। क्या अब भी आपकी तलवार मेवाड़ की रक्षा के लिए बाहर नहीं आएगी? बस करो काका जी, बस करो, हम सब कुछ समझ गए, लेकिन पिताजी की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। एक वीर राजपूत पिता की इच्छा के लिए मातृभूमि का कर्तव्य और करोड़ों लोगों की अभिलाषाओं की बलि नहीं दे सकता। मातृभूमि के उद्धार से पिता की आत्मा दुखित नहीं सुखी होगी कुंवर जी। सरदारों का विरोध और जगमल का आगरा चले जाना, क्या इन बातों से लोग ये नहीं कहेंगे कि प्रताप सिंह ने सरदारों से मिलकर जगमल को गद्दी से हटा दिया और खुद मेवाड़ का मालिक बन गया? आप मेवाड़ की करोड़ों आत्माओं को दुखी करना चाहते हैं, मात्र उद्धार मेवाड़ की रक्षा और अपने कर्तव्य से फिर जाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कुंवर जी। मेवाड़ की लूटी हुई कीर्ति को बचाने के लिए आज मैं और की प्रजा आपके पास आई है। स्वस्ति हो बृहस्पति सदा भवानी दाहिनी केसरिया ध्वज के प्राण नरहरी।
अवतार हिंदुवा सूरज गौ ब्राह्मण प्रतिपाल पप्पा रावल के वंशज कटाह संभ्रम समन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मुद्धरी धगत 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 वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणं मम महाराज सर पे सोहताज राम का राज करो है पर जा पालन हार हो हमने नहीं आके तुम ही थे बनहार हो हमने नहीं आके तुम ही थे बनहार हो धन्य धन्य मेवाड़ पति जन भी देश का क्लेश वीर का वेश पहन के नरेश हो जैसे शक्ति का अवतार हो हमने नैया के तुम ही थे बनहार हो हमने नैया के तुम ही थे बनहार हो धन्य धन्य मेवाड़ पति गण धीर धीर राणा प्रताप की जय ओ अलबेली नहीं बेली आज तो मुख दे बोल हाँ देख कुंवर जी बन गए राणा झटपट घूंघट खोल नवेली झटपट घूंघट खोल मैं तो नहीं बोलो घूंघट पट नहीं खोलो मैं तो नहीं बोलो घूंघट पट नहीं खोलो जी ला दो चुनरिया मलमल की पहना दो चुनरिया मलमल की मैं तो नहीं बोलो घूंघट पट नहीं खोलो जी ला दो चुनरिया मलमल की पहना दो चुनरिया मलमल की आज छोड़ के लाज हथेले संग तू मेरे चल चल आसमान के तारे तोड़ के ला दूंगा तुहे कल कल तू ना जाने हमारी गत पल पल की तू ना जाने हमारी गत पल पल की ला दो चुनरिया मलमल की पहना दो चुनरिया मलमल की जाओ किसी स्वप्न को मनाओ हमको तुमसे रूठे रूठे बार बार वादा कर हमसे निकले आकर झूठे झूठे मत बातें बनाओ हमसे कल कल मत बातें बनाओ हमसे कल कल ला दो चुनरिया मलमल की पहना दो चुनरिया मलमल की पंजट पर नट खट खेला मोह देख देख मुट पाए गली संकरी मारे संकरी भाभी कह बतलाए निगोड़े कह बतलाए कैसे पानी भर
भरने जाऊं मैं नजर लग जाए, कहते पानी भरने जाऊं मैं नजर लग जाए, नजर लग जाए हाय जुलम हो जाए, नजर लग जाए हाय जुलम हो जाए, कहते पानी भरने जाऊं मैं नजर लग जाए। महाराज सर पे सहता जनाम सा राज करो है प्रजा पालनहार हो, बाहर के प्रकाश में क्या ढूंढ रही हो लाडी जी? इस प्रकाश के पीछे छुपे हुए उस अंधकार को देख रही हूँ स्वामी, जो मेवाड़ की पवित्र भूमि पर छा जाना चाहता है। तुम शायद कुंवर जगमल जी के बारे में कहना चाहती हो, जो हमसे नाराज होकर मुगले सम्राट के शरण में चले गए। लेकिन स्वामी, आपके इस राज्य अभिषेक ने ही जगमल जी को सम्राट के शरण जाने पर मजबूर किया है। ये कांटों से भरा ताज तो प्रजा ने हमारे सर। आज के शिकार से हम मेवाड़ के भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह सावधान रहें। शिकार जिसके हाथ से दागी हो उसी के हाथ से बढ़ना चाहिए, और कोई उस पर वार न करे। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। उत्तर की तरफ जाते हैं, तुम पूरब की तरफ जाओ और तुम पश्चिम की तरफ। सब लोग जंगल में फैल जाएं। चलो चैत्य।
क्या किया तुमने? हम कब से चिल्ला रहे थे कि शिकार हमारे हाथ से दागी हो चुका है, फिर भी तुमने उस पर वार कर दिया। तो क्या हुआ, हम भी तो यहाँ शिकार खेलने आए थे। जो काम आपसे ना हो सका वो हमने कर दिखाया। जानते हो आज के शिकार में दूसरे के दागी पर वार करना अपशकुन समझा जाता है। शकुन और अपशकुन कायर और बुद्धिल के लिए होते हैं। गरजते हुए शेर को देखकर एक राजपूत का बच्चा कैसे चुप रह सकता है? ज्यादा बात न करो, जानते हो किसके सामने बात कर रहे हो? मेवाड़ के नए महाराणा के सामने, जो जानवर का शिकार भी नहीं कर सकता। शक जबान बंद करो, मैं आपसे डरता नहीं और न ही आप मुझे दबा सकते हैं। मैं जगमग नहीं तो चुपचाप चला जाऊं। आपको मालूम होना चाहिए कि मेवाड़ की गद्दी पर जितना आपका हक है उतना हक मेरा भी है। चुप रहो। नहीं, मेवाड़ की गद्दी का फैसला सरदारों की जुबान से नहीं तलवारों के धार से होना चाहिए। शक करो, संभालो। भाई भाई में लड़ाई आज मेवा की किस्मत फैसला है। प्रोहित जी जाइए। नहीं नहीं, ऐसा न करिए कुंवर जी। आप अपने फुट में सारा राजपूत और दुश्मन के कब्जे में चला गया। एक मेवा बाकी है, कहीं वो भी न चला जाए। प्रोहित जी, प्रोहित जी, प्रोहित जी, ओम शांति शांति। प्रोहित जी, शक्त ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से आज ये ब्रह्म हत्या हुई। ब्रह्म हत्या अकेले शक्ति सिंह की वजह से नहीं, आप दोनों की वजह से हुई है। मामा जी, आप चुप रहिए और निकल जाइए यहां से। शक्ता, हम मेवाड़ के महाराणा होने की हैसियत से तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इसी समय मेवाड़ की सरहद से निकल जाओ। अच्छी बात है, मैं तो मेवाड़ छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन याद रहे कि तुम्हें भी चैन से रहने नहीं दूंगा। ऊपर से आग बरसती थी, नीचे से भी भौंचाल हुआ। भाई से भाई बिछड़ गया, विधि का प्रकोप विकराल हुआ। राणा का भाई तिनका था, फिर भी वो एक सहारा था। तिनका तू किस्मत को यही गवारा था, फिर भी स्वतंत्रता की ज्योति ने, फिर भी स्वतंत्रता की ज्योति ने मातृभूमि का मंत्र रखा। एक तरफ थी चिंगारी, एक तरफ घनघोर घटा। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं लाड़ी जी, भाई का प्यार आज हमारे दिल में चुटकियां ले रहा है। ऐसा मालूम होता है कि आज हम निहत्ते हो गए। मगर स्वामी, आपका ये प्यार शक्ति की भूल को माफ भी तो कर सकता था। कल जगमल चले गए, आज शक्ति भी चले गए। इस तरह तो धीरे धीरे सारा मेवाड़ अनाथ हो जाएगा। नाथ, हम पहले ही कह चुके हैं कि दोष हमारा नहीं, दोषी को सजा देना हमारा कर्तव्य है, फिर चाहे वो हमारा भाई बेटा या तुम ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे डर है स्वामी, कहीं आपस के झगड़े मेवाड़ की बर्बादी का कारण न बन जाए। नहीं नहीं, जब तक हम जिंदा हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता लाड़ी जी। ओ भगवानी, ठीक नहीं रहा हूँ मैं तो, तुम्हें पुकार रहा हूँ। वो मेरी नई पगड़ी कहाँ है जो मुझे बीकानेर के दरबार से मिली थी? उसे तो चूहे काट गए। क्या कहा? चूहे काट गए? अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर वो पगड़ी ले आओ जो मुझे जोधपुर के दरबार से मिली थी। वो धोबी के घर पड़ी है। धोबी के घर?
अच्छा तो फिर अपनी जयपुर वाली ले आओ। वो तो कभी की फट चुकी। ओहो, उसे चूहे काट गए, वो फट चुकी। ये यहाँ पड़ी है, वो वहाँ पड़ी है। अब क्या मैं तुम्हारी चुनरी ओढ़कर राज दरबार में जाऊँ? तो क्या हुआ, तब तो तुम और सुंदर मालूम होगे। अरे अरे अरे, सोचने की बात है, हंसती क्या हो? हंसू नहीं तो क्या रो? तो गुलामों की पगड़ियाँ सर पे रखने से तो चुनरी ओढ़ना अच्छा है। क्या कहा, गुलामों की पगड़ियाँ? मगर अब तो सारा राजपूताना बादशाह का गुलाम बन चुका है, फिर अछूती पगड़ी कहाँ से मिलेगी? अछूती पगड़ी भी मिल सकती है, मगर तुमको खुशामद से फुर्सत मिले तब ना। क्या कहा, क्या कहा? मैं खुशामद करता हूँ? अरे मैं असली चारण हूँ, असली। बस अब मुझे किसी की पगड़ी नहीं चाहिए। जाओ मेरी खानदानी पगड़ी उठा लाओ। हाँ, और हाँ, और साथ में सुरमादानी भी लेती आना। क्या कहा, सुरमादानी? तुम दरबार में भटाई करने जाते हो या शाही महल की बांदियों को रिझाने? अरे बांदियों को रिझाने नहीं जा रहा हूँ, शहनशाह आलम और कुंवर मान सिंह जी को अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। कुछ पता है, कुंवर मान सिंह जी ने काबुल को जीतकर शाही दरबार की रौनक बढ़ा दी है। आ, अच्छा गुस्सा मत करो, जाओ वो मेरा नीला फटका ले आओ। फटके का झटका कर दिया भिलू ने। भिलू ने? जो बड़ा उल्लू है। अच्छा जाओ अपनी चुनरी ले आओ। आप चिंता ना कीजिए, मैं उसे अपने हाथों से खिला कर आई। घर बाकी पाधरा मरद नमूने माण घना नरिंदा घे रहे नरिंदा राण। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की जय। जय एकलिंग की। अरे शीतल तुम यहाँ आओ, भोजन करो। महाराणा जी भोजन तो मैं कर चुका हूँ। आगरे में बहुत दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, सो आज वो भी पूरी हो गई। अच्छा तुम अकबर के दरबार से आए हो, क्या हाल है वहाँ का? अन्नदाता, आपकी प्रतिज्ञा घर घर गूंज रही है। लोगों की जबान पर सिर्फ दो ही नाम है, मेवाड़ और महाराणा प्रताप। माई ए हा पूत जन जे हा राण प्रताप अकबर सूतो चौकियो जान सिरहाणो साप। ये लोगों का कहना है या चारणों का? राणा जी ये तो लोगों का कहना है, पर आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, सरस्वती मुझे मजबूर कर रही है। हाँ हाँ हम वो भी सुनेंगे। केसरिया पगड़ी बनी रहे केसरिया पगड़ी बनी रहे केसरिया पगड़ी बनी रहे। यह मुकुट हमें बीते युग के वीरों की याद दिलाता है, हम मरुधर के मतवालों वालों को नवजीवन सुधा पिलाता है। इसकी दुनिया में धक रही इसकी दुनिया में धाक रही भिड़कर दुनिया आप चामच तक ऊंचा ललाट सबसे ऊंची ये नाक रही। केसरिया पगड़ी बनी रहे केसरिया पगड़ी बनी रहे। भारत माँ के अभिमान तुम्ही आधी बिजली तूफान तुम्ही रण में दहाड़ने वाले इन शेरों की हो संतान तुम्ही। केसरिया पगड़ी बनी रहे सरिया पगड़ी बनी रहे। जब तक प्राणों में प्राण रहे अपने मरुधर का मान रहे जग को कंपित दे वाला मारू का गुंजित गान रहे। इस पगड़ी की बस शान रहे इस पगड़ी की बस शान रहे हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। राणा प्रताप पृथ्वी सांगा इन वीरों का अभिमान रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे सरिया पगड़ी बनी रहे।
कितनों के सर कुर्बान हुए, कितनों के महल मकान हुए, कितने परवाने अमर दुर्ग इस पगड़ी पर बलिदान हुए, इस ओर हमारे प्रताप ने, इस ओर हमारे प्रताप ने लोहू के सागर बहा दिए, लोहे के चने बहादुर ने दुश्मन को नाकों चबाए। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, शाही तूफान के आगे भी राणा की आंधी रुकी नहीं। ये एक अनोखी पगड़ी है जो उन कदमों पर झुकी नहीं, मेवाड़पति के सर पर ये किरणों की ज्योति तली रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। धन्य हो चारण, धन्य हो। तुम चारणों की वाणी ही ने राजस्थान को आज तक जिंदा रखा है। बोलो क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए अंदाता, केवल आपकी पगड़ी चाहिए। पगड़ी? पगड़ी को क्या करोगे? एक लिंग जी का प्रसाद समझकर इसे सदा अपने मस्तक पर रखूंगा महाराज। अच्छा, इन्हें हमारी एक पगड़ी दी जाए। लेकिन ये याद रहे, ये एक ऐसे बहादुर की पगड़ी है कि जिसका मस्तक आज तक भगवान एक लिंग के सिवा किसी के आगे नहीं झुका। शीतल ये अच्छी तरह जानता है, मैं इस पगड़ी की प्रतिष्ठा अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगा। घनी कमा राणा जी, घनी कमा। शीतल, माँ बदौलत तुम्हारी इस पर बहुत खुश हुए। शुक्रिया आलीजा। हाँ, माँ बदौलत को आज एक और है कि फर्जंद मां सिंह ने अपनी बहादुरी और जाफिसानी से काबुल को शाही सल्तनत के कदमों में झुका दिया है। इसके लिए बदौलत फर्जंद मान सिंह को 10,000 मनसबदारी का ओहदा अता फरमा, और माँ बदौलत को उम्मीद है कि फर्जंद मान सिंह हमेशा मुगल सल्तनत के ख्वाब बने रहे। ताबेदार मान सिंह की रगों में जब तक खून का एक कतरा भी बाकी, तब तक वो मुगल सल्तनत का वफादार रहेगा। हमें आपसे यही उम्मीद है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के भाई शक्ति सिंह आली कदमपोसी के तलबगार हैं। मेवाड़ के राणा यानी धिकाई? जी हाँ आली बना। फौरन पे आप धिका राणा के भाई हैं? जी हाँ लंपना, ताकि आए दिन की जेलू बजा। आपका कहना ठीक है, पैर में चुभे हुए कांटे को निकाल देना ही अच्छा है। हम आज ही शेरपुरा जीतने के लिए जाते हैं। Thank you.
लोगों की है। मेवाड़ के सुपूतों, वीर को हमें इस छोटी सी विजय पर इतना फूलना नहीं चाहिए। अभी हमें चित्तौड़ जीतना है, मेवाड़ से मेवाड़ के दुश्मनों को हटाना है। मुझे भी देखने दो। आओ बाबा। वही, बिल्कुल वही। सांगा उस बार वो बाबर से तो हार गया था, लेकिन अब की तू अकबर से नहीं हारेगा। बोलो बाबा, क्या चाहते हो? वीर श्रोमणि, आज तेरी प्रजा लुट रही है, उनके घर बार चलाए जा रहे, उनकी लहलाती हुई फसलें घोड़े के पैरों तले कुचली जा रही, माताएं रो रही, बच्चे तिलक रहे। आज मेवाड़ में मुगलों ने हाहाकार मचा दिया। तुम्हारा कहना सच है बाबा, लेकिन मेवाड़ की रक्षा के लिए हमारी तलवारें मुगलों से बराबर टकरा रही हैं। फिर भी मुगल सेना के आचार से मेवाड़ की धरती हिल गई है। सिर्फ इंसान नहीं, देश की दुर्दशा पर रो रहे हैं। बस करो बस, हम सब कुछ समझते हैं। बेटा प्रताप, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी अंतिम सांस रणभूमि में दुश्मनों से लड़ते ही लड़ते निकले। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में जाना चाहता हूं। मुझे भी ले चलो अपने साथ, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता। मेरा बेटा चित्तौड़ का तीसरा साथ। चले, हम अपनी तलवारों से लोहे की दीवार खड़ी कर देंगे। राणा जी, मेवाड़ की हर माता अपने बच्चों को हंसते हंसते लड़ाई के मैदान में भेजती रहेगी। राणा जी, हम अपने खेतों में अन्न के बदले लोहे की फसल पैदा करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेवाड़ आजाद ना हो जाए, हम महलों में नहीं रहेंगे, सोने चांदी के बर्तन में नहीं खाएंगे, जरी के कपड़े नहीं पहनेंगे। आज से आकाश हमारा छत्र होगा और धरती हमारा बिछौना होगा। हम पत्तलों में खाएंगे और झोपड़ों में सोएंगे। हमारे वंशज भी हमारे प्रतिज्ञा की पालन करेंगे। ये क्या सुना? कुछ नहीं, मुगलिया सेना अभी तक मेवाड़ की पवित्र भूमि पर अपनी मनमानी कर रही है। अभी तक हम प्रजा के आंसुओं को पहुंच न सके, इनका बोझ हमने अपने कंधों पर उठा रखा है। इसमें चिंता की क्या बात है स्वामी? मैं जानती हूँ कि संसार के सारे शक्तियां मिलकर भी राणा के साहस को नहीं दिखा सकती। इसीलिए राणा ने प्रतिज्ञा की है कि ये मखमल के बिछौने, ये सोने चांदी के बर्तन, ये जरी के कपड़े राणा के लिए नहीं। जब तक हम मातृभूमि मेवाड़ को आजाद नहीं करेंगे, सुख की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। यूं जान पड़ता है कि माँ की ममता ने पत्नी के साहस को बिगाड़ दिया। जंगलों के दुखों को देखकर माँ के हृदय में सोए बेटे का प्यार जाग उठा। ये बात नहीं सुनाने, मैं तो अपने कर्तव्यों को सोच रही थी। जहां आप वहां मैं इन महलों की सजावट को छोड़कर जंगलों की मिट्टी को अपने गले से लगा लूंगी। अपना श्रृंगार करने की बजाय अपने प्रजा की सेवा करूंगी। आज से इन हाथों में हीरे मोती की चूड़ियों की बजाय मेवाड़ के जंगलों की लकड़ी और पत्थर होंगे। धन्य हो रानी जी। मह
महलों का वैभव ठुकराया, जीवन का सुख बलिदान किया, रजपूती आन निभाने को कंटक पथ पर प्रस्थान किया। अब तो राजा राजा न रहा, अब ये प्रजा प्रजा न रही, जिसके नीचे सब एक हुए वो समानता की ध्वजा रही। ये अटल प्रताप प्रतिज्ञा थी, जिसने झंझट हर प्राण किया, पत्थर को तोड़ पहाड़ों में मेवाड़ नया निर्माण किया। ये त्याग तपस्या का फल था, त्याग तपस्या का फल था, कर्तव्य मार्ग पर रहा तथा। एक चिंगारी एक तरफ घन घोर घटा, चित्तौड़ के आसपास की हमारी चौकियों पर राणा का दबाव बढ़ चुका है और शेरपुरा भी हमारे हाथ से निकल चुका है। शेरपुरा निकल चुका है, इसका सबब? सबब है प्रताप की प्रतिज्ञा। प्रताप ने अपनी सारी रियासत सिपाही बना दिया है। मेवाड़ का बच्चा बच्चा मेवाड़ की आजादी के लिए हमसे जंग कर रहा है। इतना ही नहीं आदमी बना, किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर मैदानी जंग में कूद पड़े हैं। क्या कहते हो मोहब्बत का? ये सच है आदिजा, प्रताप ने अहद किया है कि जब तक वो हमें मेवाड़ से बाहर नहीं कर देगा, तब तक ऐशो आराम की जिंदगी बसर नहीं करेगा। उसने उदयपुर के शाही महलों को छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में रहना शुरू कर दिया है। आदिजा, हम ये चाहते हैं कि हमारी फौज में इजाफा कर दिया जाए, ताकि हम अपनी तलवारों की प्यास दुश्मनों के खून से बुझा सके। मोहब्बत खां, नहीं, आप नहीं समझते, ये मामला बहुत नाजुक है, फर्जन डिमांड है, इसमें आपकी क्या राय है? आलम पना, मुझ नाकिस की राय तो ये है कि प्रताप को तलवार के जोर से नहीं बल्कि दोस्ती से जीतना चाहिए। हरगिज नहीं। महबत खां, मां बदौलत को फर्जंदे मान सिंह की राय से इत्तफाक? उसकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ रही, शाही फौजों के लिए भेजी हुई रसद रास्ते आए दिन हमारी चौकियों पर हमले होते रहते हैं। इतना ही नहीं आलीजा, प्रताप आजकल छोटे राजपूत राजाओं को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। आलीजा, प्रताप का सर उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए। ऐसी भी क्या मुसीबत है मान सिंह, हमारा हर कदम सोच समझ कर उठना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई में हम जीत कर भी सवारे के सफों पर हार जाए और प्रताप हार कर भी तवारीख के सफों पर जीत जाए। फिर भी तुम्हारे सवाल का जवाब मां बदौलत कल दरबार में देंगे। कहां जा रहे हैं इस पगड़ी को पहनकर? दरबार में, और इसने अपनी कुछ खेती भी कर रखी है। जानता हूँ, मेरा नाम शीतल है, शीतल जिसके भेजे में है अकल और कंठ में है सरस्वती का बल। सारे राजपुताने में है ऐसा कुछ कारण जो मुझसे टक्कर ले। रहो रहो, लाज भी नहीं आती कैसी बगाड़ते हो, तो शाही दरबार में तुम मिलाते हो, ऊपर से बातें करते हो। क्या कहा मैं कुत्ता? देखो जी, तुमने आज तो ये वचन मुझसे कह दिए हैं, अगर दोबारा कहे तो मैं ये घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। तो जाओ ना, मैं तो खुद चाहती हूँ तुम जैसे खुशामदी से मेरा पिन छूटे। अगर मैं सच बोलूंगी करूंगी क्या, मेरा भी भगवान है। तो फिर अपना भी भगवान है, आज इस पार या उस पार। क्या मतलब? मतलब जानना हो तो आ जाना दरबार में। और जय हो,
मगन शाह शाहों के शाह की करते हम अगवानी है। ये शाही दरबार बड़ा है जिदा यहाँ तमाम करे राजे और महाराजे झुक झुक आकर यहाँ सलाम करे। महाबली की राजनीति के आगे दुनिया घूम रही बड़ी बड़ी पगड़ियाँ आज शाही कदमों को झूम रही। लेकिन इन तारों में एक है चंदा जिसकी जोत निराली है इस दरबार में वो नहीं हाजिर तो दरबार खाली है। तूफान के आगे भी राणा की आंधी झुकी नहीं ये एक अनोखी पगड़ी है जो इन कदमों पर झुकी नहीं। मेवाड़ पति के सर पे ये किरणों की ज्योति तनी रहे किरणों की ज्योति तनी रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे केसरिया पगड़ी बनी रहे केसरिया पगड़ी बनी रहे। शीतल ये क्या गुस्ताखी दरबार अज़ा में ये भी अदबी तुमने पगड़ी उतार कर आदाब क्यों बजाए। इस गुस्ताख का सर उतार लेना चाहिए आलम पना। अपराध क्षमा हो आलीजा इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है आलीजा ये एक ऐसे बहादुर की पगड़ी है जिसने आज तक अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाया। कौन है वो शख्स? मेवाड़ केसरी वीर शिरोमणि राजपूत गौरव महाराणा प्रताप सिंह। आलीजा इसकी जबान खिंचवा लेनी चाहिए। ठहरो मानसिंह शीतल उसने ऐसा कौन सा शेर मारा है जो उसे वीर शिरोमणि कहते हो? मैं ही क्या आलीजा ये तो मेवाड़ का बच्चा बच्चा कहता है। माई एहा पूत जन जेहा राण प्रताप अकबर सूतो चौकियो जान सिरहाने साप। अगर ऐसा ही है हम भी देखते हैं तुम्हारे उस राणा की पगड़ी हमारे सामने झुकती है या नहीं। आलीजा यह हमारा हुक्म है तुम्हें जितनी फौजें चाहिए साथ लेकर मेवाड़ पर हमला कर दो और मगरूर प्रताप का सर मां बदौलत हमने झुका दो। तुम्हारी कल वाली बात का यही जवाब। जो हुक्म आलीजा। शक्ति सिंह आलम बना तुम भी फर्जंदे मान सिंह के साथ जाओ और अपना इंतकाम लो। अगर तुम्हारी बहादुरी ने प्रताप की गर्दन दरबार शाही में झुका दी तो मेवाड़ की सूबेदारी तुम्हें दी जाएगी। जो हुक्म वाली जाता तो शीतल तुम एक चारण हो इसी बदौलत तुम्हारी गुस्ताखी नजरअंदाज कर देती है। तुम्हें फौरन आगरे से निकल जाने का हुक्म फरमाते हैं। जो हुक्म आलीजा। मां बदौलत ये भी ऐलान करते हैं जब तक प्रताप की पगड़ी हमारे सामने नहीं झुकेगी तब तक इस दरबार में नाच रंग बंद रहेगा। आज परीक्षा है प्राणों की आज वक्त की यही पुकार मातृभूमि पर मर मिटने को बच्चा बच्चा हो तैयार। मेवाड़ भूमि का प्यार जगे होए शस्त्रों में धार जगे पुरखों का वो अभिमान जगे फिर से रजपूती शान जगे। गूंज उठे जंगल पर्वत इन नारों से जयकारों से इधर बिजलियां फड़क उठी इन वीरों की तलवार।
काली घाटी की पथरीली काली घाटी की पथरीली धरती पर ये आकाश फटा एक तरफ थी चिनगारी एक तरफ घनघोर घटा मोगली फोर हल्दी घाट के मैदान में आप पहुंची सुना है वो शक्ति सिंह जी आप नहीं समझे अगर समझ में नहीं आता सम्राट अकबर के प्रताप ने लड़ाई के लिए इस घाटी को क्यों पसंद किया सिर्फ 22,000 राजपूत लेकर हमारी इस बेशुमार फौज से मुकाबला करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती आपका मतलब यहाँ की छोटी से छोटी पहाड़ी भी किसी मजबूत किले से कम नहीं कहूँ तब तो कहना चाहिए प्रताप लड़ाई के फन में बड़ा माहिर है बेशक अलग दौनी साहब आप तो तवारीख लिखते हैं लेकिन आपने अभी तक इन घाटियों के बेजान पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास नहीं पढ़ा अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 750 साल में जो भी यहाँ आया मुंगी खाकर गया तो क्या आप भी मुंगी खाकर जाना चाहते हैं अगर ऐसा हुआ तो मेवाड़ की सूबेदारी कैसे मिलेगी मैं सूबेदारी का भूखा नहीं सिर्फ बदला चाहता हूँ भाई ने मुझे मेवाड़ से निकाला है और मैं इस मेवाड़ को उजाड़ कर शमशान बना देना चाहता हूँ खुले प्रेत की तरह घूमना चाहता हूँ यही मेरा बदला होगा विश्वास रखो शक्ति सिंह कल ही आपको हल्दी घाट में शमशान का नजारा देखने को मिलेगा अब आप लोग आराम कर सकते हैं अच्छा तो आप अकबर की तरफ से सुलह का पैगाम तुम जाओ अकबर की तरफ से तो नहीं हाँ अगर आप चाहें की तरफ से संधि का पैगाम जा सकता है इसके लिए ऐसी क्या चलती निवार की राज लक्ष्मी निवार की राज लक्ष्मी और बापाल के वंश की कितने तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हारे सामने खड़ी कर दो इसके टुकड़े टुकड़े कर दो शक्ति इतना नीच नहीं शक्ति इतना भाई का बदला भाभी से चुकाना नहीं चाहता अब तो कल भी मेरी माँ थी और आज भी मेरी माँ तो क्या मेवाड़ की भूमि तुम्हारी माँ मेवाड़ और मेरी माँ हाँ इस मातृभूमि मेवाड़ की गोद में तुमने बचपन की किलकारियां भरी इसकी गोद में तुम्हारी जवानी ने आंखें खोली और इसी के अंश से तुम्हारा पालन हुआ उस मातृभूमि की छाती पर घोड़े दौड़ाते हुए तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता बस करो भाभी बस करो मैं पूछती हूँ कि अमर के बापू ने कुछ कसूर भी किया था तो इसमें मातृभूमि का क्या दोष जो तुम इसे बर्बाद करने यहाँ आए हो भाभी इससे तो अच्छा था कि तुम राणा वंश में जन्म ही न लेते और तुम्हें देखकर महाराणा सांगा महाराणा कुंभा और वीर कुमार की आत्माएं दुखी तो न होती लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता अभी बहुत कुछ हो सकता है जहाँ से जागो वहीं से सवेरा समझो घर के झगड़े को गढ़ी में समझना अच्छा है अच्छा भाभी तुम्हें यहाँ से चल चले जाना चाहिए ये दुश्मनों का डेरा है तुम इसकी चिंता न करो मैं पूरा इंतजाम करके आई हूँ लेकिन भैया अगर कल की लड़ाई में पासा उल्टा पड़ा तो हमने जौहर के बदले कर्णावती की तरह केसरिया करने का निश्चय किया है अब मेवाड़ की रात तुम्हारे हाथ है मेवाड़ की लाज मेरे हाथ में है मेवाड़ की लाज मेरे हाथ में है Thank you.
क्षमा करो, ये क्या? हम तो समझ रहे थे तुम मेवाड़ की गद्दी का हक लेने आए, अपना बदला चुकाने आए। नहीं नहीं भैया, मैंने बप्पा रावल के वंश को धब्बा लगाया है। मैंने आपको बहुत दुख दिया है भैया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है भैया, मुझे माफ कर दो भैया। दादा दादा, तुम कल भी हमारे भाई थे, दादा आज भी हमारे भाई हो सकते। चल तक मेरे साथ। धन्य धन्य है स्वामी भक्त चेतक तेरा बलिदान, अमर रहेगा इतिहासों में तेरा नाम महान। चेतक भाई, धीरज रखिए भैया, जल्दी कीजिए। आप में शैतान फरामोशी के साथ दगाबाजी भी की है। आप शहर जानते हैं कि मैं एहसान फराह हूँ, बागी हूँ, क्योंकि मैंने देश के साथ, रावी के साथ एहसान फरामोशी, भाई के साथ दगा किया, और इसीलिए शहनशाह ने मुझे आगरे में जगह दी। खबर इसका जवाब तुम्हें दरबार में देना पड़ेगा। दरबार में नहीं, लड़ाई के मैदान में दिया जाएगा। गिरफ्तार कर लो इसे। जो आगे बढ़ने की कोशिश की जाने ना भाई। मुंह क्या देखते, पीछे हटो।
शक्ति। भाभी भैया कहाँ है? वह इन पहाड़ियों के पीछे तुम्हारी राह देख रहे हैं। लेकिन भाभी मैं उनके पास खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो फिर ढाल तलवार हाथ में ले लो। शर्मिंदा न करो भाभी, जब तक मैं अपने बाहुबल से किले जीत नहीं लूंगा तब तक भैया से नहीं मिलूंगा। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। शक्ति सुनो भैया, शक्ति रुक जाओ, शक्ति मैं कहती हूँ रुक जाओ, शक्ति। बार गाय शहनशाह हिंद में राजा मान सिंह मैदान जंग हल्दी घाटी से लिखते हैं कि मैदान हल्दी घाट शाही फौजों ने जीत लिया, राजपूत मैदान छोड़कर भाग निकले और प्रताप भी अपनी जान बचाकर बुरी तरह से भागा। लेकिन काबिले अफसोस है कि शक्ति सिंह ने जिस पर आलम पना ने भरोसा किया था मैदान जंग ही हो गया और उसने प्रताप को मैदान से भाग जाने में मदद की और खुद भी गायब हो गया। शक्ति सिंह जिसने हीका राणा से बदला लेने का मां बदौलत से वादा किया था। जी हाँ आलम पना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्जंदे मान सिंह हल्दी घाट में जीत कर भी हार गए। लेकिन आलीजा राजा जी लिखते हैं कि हम प्रताप को गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। लेकिन जो शख्स सिर्फ 3000 राजपूतों को लेकर हमारे 50,000 सवारों का मुकाबला कर सकता है उसे पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। मान सिंह को लिखा जाए जब तक प्रताप गिरफ्तार न हो जाए वो आगरे में कदम न रखे। अगर इरशाद आली हो तो फतेह के जश्न की तैयारी की जाए। नहीं, मां बदौलत इस फतेह का जश्न उसी वक्त मनाएंगे जब प्रताप हमारे दरबार में कैदियों के सब में खड़ा होगा। अभी तो हम ये समझते हैं कि हल्दी घाट की लड़ाई में हमने प्रताप को शिकस्त नहीं दी बल्कि खुद शिकस्त खाई है। हार जीत तो होती ही रहती है स्वामी, और फिर राजपूत तो हर हार पर जीतता है। ये तो मन बहलाने की बात है। सच पूछो तो हम हल्दी घाट के मैदान में हार चुके। लेकिन राणा जी लोग चाहे कुछ भी कहें मगर हल्दी घाटी की ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां और वीरों के खून से रंगी हुई ये धरती आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि राजपूतों ने जो वीरता दिखाई है वो दुनिया के इतिहास में सदा अमर रहेगी। सच है, उन राजपूत वीरों का और चेतक के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। अब हमारा दूसरा मोर्चा कुंभलगढ़ होगा। घोड़े की पीठ थी सोने को, रानी की गोद में बच्चे थे, जन्मे थे केवल रोने को। दिन उगता था इस पर्वत पर, उस पर्वत पर संध्या ढलती, वन वन उपवन जंगल जंगल अस्थिर जीवन की गति चलती। इस तरह मौत से लड़ते लड़ते, इस तरह मौत से लड़ते लड़ते सेनानी का समय कटा। एक तरफ थी चिंगारी एक तरफ घनघोर घटा। खामोश, इस तरह अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश न कीजिए। हमें जिस बात का डर था वही हुआ। तवारीख के सफे इस बात की गवाही देंगे कि प्रताप लड़ाई के मैदान में हार कर भी जीत गया। गुस्ताखी माफ हो वाली जा, अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियां और घाटियां प्रताप का साथ दे रही। गुलाम तो उसकी हिम्मत पर हैरान है आलिका। सुना है पिछले 10 सालों में उसने भरपेट खाना नहीं खाया और जमीन पर बिस्तर बिछा के भी नहीं सोया। आलम पना,
दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर बरस रही। प्रभु तुम्हें प्रकाश दो, कुंझ हो गई प्रभु तुम्हें प्रकाश दो, प्रकाश दो, प्रकाश दो। थोड़ी सी नींद आई थी वो भी टूट गई, फिर से सो जाइए स्वामी। नहीं, अब हम नहीं सो सकते। क्यों? कई दिनों से तो घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे आप जाग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए तो सो जाइए। जब से हम मेवाड़ के गद्दी पर बैठे तभी से सो रहे हैं, आज घोड़ी ने हमें जगा दिया। ऐसा मालूम होता है हमने इस लंबी नींद में सोकर सब कुछ खो दिया।
ये आप क्या कह रहे हैं? आज जब हम भिखारन की तरह घूमते हैं, इस मेवाड़ की लक्ष्मी को देखते, रोटी के दो टुकड़ों के लिए भिलकते हुए बच्चों की आवाज सुनते, तो हमारा कलेजा कांप उठता। स्वामी, ये आप कह रहे हैं? क्या देशभक्ति का यही पुरस्कार? क्या भगवान का यही न्याय? बस जरा से धक्के से हिल गए हम तो क्या, इस धक्के से हिमालय भी हिल सकता है। हमारी सिद्ध ने, हमारी हट ने आज हमें यहाँ पहुंचा दिया। आज ही हम अकबर को संधि पत्र भेजते। क्या कहा, संधि पत्र भेजेंगे? हाँ। बहुत अच्छा सोचा आपने, और जितनी भी जल्दी हो सके लिख दीजिए संधि पत्र। लिखने के लिए शाही और लिखनी चाहिए वो मैं मंगवाती हूँ। चंपा, ओ चंपा जी, जरा कुमरी को तो यहाँ ले आना। आपको संधि पत्र लिखने के लिए शाही चाहिए ना? इससे अच्छे शाही और कहाँ मिलेगी? इससे लिखा हुआ संधि पत्र सात समंदर के पानी से भी नहीं धुल सकेगा। बस कर रवि जी, बस कर, हमसे भूल हुई। भूल आपसे नहीं, भूल तो मेरी कोख से हुई है। जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया जो मेरे स्वामी को कर्तव्य से निकाल रही है, ऐसी संतान का मर जाना ही अच्छा है। बस लाड़ी जी, बहुत हो चुका है। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हिंदू पति प्रताप, पत राखो हिंदुआणरी, सहो विपत संताप, सत्य शपथ करी आपणी। आओ शीतल, अच्छे समय पे आए। अकबर को मेवाड़ चाहिए और साथ साथ हमारा झुकावा मस्तक, जो उसे कभी नहीं मिल सकता, चाहे हमें उसके लिए मेवाड़ का त्याग करना पड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता राणा जी। भामाशाह, जब तक ये मेवाड़ का मंत्री, पीढ़ियों का चाकर बूढ़ा भामाशाह जिंदा है, तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। अन्नदाता, आज मैं एक प्रार्थना लेकर आया। कैसी प्रार्थना? राणा जी, महाराणा कुंभा के समय से हमारा वंश आदि के दिए हुए अंश से पलाया है। तब से लेकर आज तक हमने जितना भी धन इकट्ठा किया हुआ है, वो सब मैं आपकी सेवा में भेंट करना चाहता हूं। इस धन से आप मेवाड़ की मुक्ति का उपाय कीजिए महाराज। भामाशाह, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भामाशाह, क्या तुम मेवाड़ के उद्धार के लिए इतना बड़ा बलिदान कर सकते हो? नहीं तो महाराज, मेवाड़ का बच्चा बच्चा आपके एक इशारे पर सब कुछ निछावर कर सकता। धन्य हो तुम, मेवाड़ के मंत्री ही नहीं बल्कि उद्धारक कहलाओगे। हम स्वीकार करते हैं। इतिहास संसार में हमेशा अमर रहेगा। मेवाड़ के इतिहास जय 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 मेवाड़ घर, जय राणा सिर मोड़। लिखते हैं कि प्रताप की फौज तूफान की तरह आगे बढ़ रही है और देवीर का किला शाही कब्जे से निकल चुका है। क्या कहा? देवीर शाही कब्जे से निकल गया?
बना, अपा इनकी चौकी से हमारी फौजें पीछे भाग रही। दुश्मन की फौजें तूफान की तरह आगे बढ़ रही है। हमारी फौजें हर मोर्चे से पीछे हट रही है। गंगूदे में प्रताप का कब्जा, उदयपुर पर चढ़ाई की तैयारियां हो रही है। सिपाहदार अब्दुल्ला की फौजें गाजर मूली की तरह कट रही है। कुंभल में हमारे हाथों से निकल गया। बंद करो, कोई है जगन्नाथ कछुआ को मां बदौलत के सामने हाजिर करो, पेश करो। आलीजा, प्रताप ने उदयपुर, माडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर कब्जा कर लिया है। वो दोपहरी के सूरज की तरह तप रहा है, उसका हर कदम कामयाबी की तरफ उठ रहा है। उस उठते हुए कदम को रोकने के लिए हम खुद मेवाड़ के मोर्चे पर जाएंगे। आलमपना, आप खुद जाएंगे? हाँ, आखिर हम भी तो देखें वो ऐसा कौन सा सैलाब है जो कि हमारी बेशुमार फौजों के रोकने के बावजूद भी नहीं रुकता, और जिससे सिर्फ 12 महीने में हमारी 10 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। गुस्ताखी माफ हो आलीजा, ये वो ताकत है जो मुगलिया सल्तनत से पहले राजपूतों में थी। आपने उस ताकत को सोने और चांदी की जंजीरों में जकड़ दिया, मगर सिर्फ एक ही माई का लाल है जिसने आज शाही सल्तनत को हिला दिया। अगर सारे राजपूत उसमें बाब दौलत, ये सब बातें सुनने के आदि नहीं। जाओ और मिर्जा जाफर को कहो हमारे साथ मांडलगढ़ जाने की तैयारी करें। भाभी, भाभी, जय गणेश जी। जय धन्या हो प्रभु, तुमने इस घर में फिर से भाग्य का सूरज चमका दिया। मगर ये सब क्या है भैया? इतनी जल्दी भूल गई भाभी? मैंने आपको वचन दिया था कि जब तक अपने बाहुबल से किले जीत कर भैया को भेंट नहीं करूंगा तब तक यहाँ नहीं आऊंगा। तो क्या? हाँ भाभी, मैंने मुगलों से किले जीत अपने वचन को पूरा किया है, जिसकी निशानी ये तलवार और ढाल है। भाभी, मैं इसको अपने भैया के चरणों में रखकर अपने उस झूल की माफी मांगूंगा। अब हमें विश्वास हो गया कि मेवाड़ की शक्ति को कोई भी शक्ति खंडित नहीं कर सकती। चलो तुम खाना खा लो, जब तक तुम्हारे भैया भी आ जाएंगे। नहीं भाभी, मैं उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता, मेरी आंखें शर्म से गड़ी जा रही हैं। मेरी ये छोटी सी भेंट भैया को सौंप देना। अच्छा, मैं चलता हूं। शक्ता, अब तुम वापस नहीं जा सकते, घर आई खुशी वापस नहीं ला सकती। भैया, भैया मुझे क्षमा करना। शक्ता, मेवाड़ की शक्ति ही प्रताप की शक्ति है। आज वो सब मिल गई, अब हम मिलकर दुश्मन से बदला लेंगे। स्वामी, अगर इसी तरह भाई भाई हमेशा मिलते रहे तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, कभी गुलाम नहीं रह सकता। कहाँ चले सवेरे सवेरे? हाँ, तेरा भला हो, बिगाड़ दिया ना मेरा शगुन। इसीलिए लोग कहते हैं कि नारी बुद्धि परंकारी। बंद करेंगे बकवास, अब ये बता कि कहाँ जा रहे हो? शमशान में। तो मैं भी चलूंगी। क्यों? ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। आज मेवाड़ की हर माता अपने बच्चे को लड़ाई पे भेज के गर्व कर रही है। काश मेरी भी गोद भरी होती
मैं भी देश की सेवा करती। तो इस दिन मेरा दोष तुम्हारी किस्मत। मेरी किस्मत नहीं, तुम्हारी किस्मत। संतान तो बाप की किस्मत से होती है, अब तुम ऐसी फूटी किस्मत लेकर आए हो। अरे चल चल, मैं तो ऐसी किस्मत लाया हूँ कि मेरा नाम राजपुताने के इतिहास में सदा अमर रहेगा। ओहो, ऐसा लगता है चार पांच किले फतह करके आए हो। अरे किले नहीं, मैंने सरस्वती माता को प्रसन्न किया है। महाराज, हमें सब कुछ मिल गया, अब तो केवल एक ही इच्छा बाकी है कि जल्दी से जल्दी उदयपुर के महल पर सूरजमुखी झंडा हम लहराता हुए देखें। राणा जी की जय हो। क्यों, क्या बात है? अन्नदाता, हमारे जासूस से खबर मिली है कि बादशाह अकबर बहुत बड़ी सेना लेके मांडलगढ़ पहुंच गया है। मांडलगढ़ पहुंच गए? महाराज, तब तो हमें जल्दी से जल्दी उदयपुर पे कब्जा कर लेना चाहिए। ठीक है। शक्त, तुम और अमर अकबर की बढ़ती हुई फौज को मांडलगढ़ के रास्ते पर रोक दो और हम उदयपुर पर हमला करेंगे। मुगलों का डोला छीनकर बप्पा रावल के वंशित पर बहुत बड़ा कलंक लगाया, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन दादा, उन्होंने भी तो हमारी कौम के साथ कई बार ऐसी हरकतें की हैं, जिसकी वजह से चित्तौड़ में तीन तीन बार जौहर हुए और दाहिरा की रानी जलती हुई आग में कूद पड़ी। लेकिन तुम ये क्यों बोलते हो भैया कि चित्तौड़ की महारानी कर्णावती की रक्षा के लिए हुमायूं की तलवार बहादुर शाह के खिलाफ उठी थी, और फिर कुछ लोगों की गलती की वजह से सारी कौम को तो बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन भाभी, वो तो नारी को खिलौना समझते हैं। वो कुछ भी समझे, लेकिन राजपूत नारी की रक्षा के लिए हमेशा अपने सर कटाते रहे और देवी की तरह पूछते रहे, तो फिर अब क्या किया जाए? उन्हें इज्जत के साथ मांडलगढ़ वापस पहुंचा दिया जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं। शीतल को बुलाया जाए। राणा जी की जय हो। शीतल हाजिर है अन्नदाता। शीतल, तुम शीघ्र ही मांडलगढ़ जाओ और अकबर बादशाह से कहना कि हमारे सरदारों ने जो गलती से उनके सूबेदार का जनाना डोला छीना है, अगले सोमवार को हम खुद अपने सामने वापस करें। जो आज्ञा। कहो, क्या पैगाम लाए हो? क्या टीका सुलह करना चाहता है? सुलह और लड़ाई तो बात की बात है आलिजा। फिलहाल तो उन्होंने यही कहलाया है कि हमारे सिपाहियों ने जो आपके सूबेदार की बेगमों को कैद कर लिया है, उसका हमें बड़ा अफसोस है। सिर्फ अफसोस?
अफसोस। तुम्हारे राणा को इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने जवाब देने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है आलमपना। आप अपने सूबेदार को हुक्म दीजिए कि वो अपने चंद आदमियों के साथ हल्दी घाटी पहुंच जाए। राणा जी अपनी मौजूदगी में उनके बाल बच्चों को उनके सपोर्ट कर देंगे। अपनी मौजूदगी में? आलमपना, अगर वहां अपने सूबेदारों के साथ कोई दगा हुई, अपने राणा को कह देना कि अगले पीर को सूबेदार वहां पहुंच जाएंगे। अब तुम जा सकते हो। जो हुक्म आली जा। शहबाज खां, हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है। प्रजा फरमाया बंदा परवर, राणा को गिरफ्तार करने का यही एक मौका। तुम नहीं समझ सकते कि हमारा मकसद क्या है। देखो वो लोग आ रहे हैं, ख्याल रहे। जब तक ये लोग सही सलामत हमारी हद से बाहर न चले जाएं, तब तक इनकी जिम्मेदारी हमारे सर पे है। गनी खम्मा। सलाम अलैकुम। जय एकलिंग। आपके कहे मुताबिक लड़की के वालिद मिर्जा के साथ हम लोग हाजिर हो गए। बाहर आओ बेटी, आपके वालिद आए। अब्बा। मिर्जा जी, हमने इस बच्ची की उतनी इज्जत की है जितनी कि हम अपने बच्चों की करते हैं। हाँ अब्बा हुजूर, राणा जी सच कहते हैं, इन्होंने हमारी इज्जत आबरू आराम का पूरा पूरा ख्याल रखा है। इसके लिए हम राणा जी के शुक्रगुजार। हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमें अफसोस है कि हम आप जैसे मेहमानों का स्वागत ही न कर सकते, लेकिन शहनशाह अकबर के लिए हमारे पास एक संदेश है। उम्मीद है कि आपके जरिए वो संदेश उन तक पहुंच जाए। जरूर, फरमाइए। हम लोग अपने देश में शांति से रहते हैं। आप लोगों ने हमारे देश में आकर फूट के बीज बोए, हमारे हरे भरे देश को आग लगा दी। क्या इसी बूते पर आप अपनी कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं? इसमें हम लोगों की गलती नहीं, बल्कि आपके मुल्क की कमजोरी। हम तो चाहते हैं मिलजुल कर रहें, आपस में रिश्ते बनाएं, और यही वजह है कि शाही दरबार में राजपूत उतनी ही इज्जत पाते हैं जितने कि हमारे मुगल सरदार। ये इज्जत नहीं, गुलामी है। और अगर उसी बख्शी में गुलामी को देखना चाहते हैं तो चित्तौड़ की भूमि से पूछिए जो मुगली फौजों के पैरों तले रौंदी गई है। चित्तौड़ की जख्मी दीवारों से पूछिए जिन्होंने बेगुनाह राजपूतों को मरते देखा। चित्तौड़ की पवित्र मिट्टी से पूछिए जो राजपूतनियों के जौहर के राख अपने सीने से लगाई पड़ी है। अरावली की इन पहाड़ियों से पूछिए जो अकबर के जुल्मों की कहानी पुकार पुकार कर कह रही है, राणा। शहबाज खां, कमांडर, जो किसी ने हाथ उठाया, ये लोग हमारे मेहमान हैं। हमें अफसोस है, अब आप कुशल से जा सकते हैं। और यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये पैगाम हर्फ बहर्फ पहुँच। शनो भवत्वर्यमा शनो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तन्मामवत् तद्वक्तारमावत् आविन्माम आविद्वक्तारम। जीजी वैद्यराज जी। महाराज, औषध। अब इसकी आवश्यकता नहीं। राणा जी, आखिर आपको चिंता क्या है? हमें चिंता है कि हमारे खून से सींचा हुआ मेवाड़ फिर दुश्मनों के हाथों में न चला जाए। और हमारी अधूरी न रह जाओ।
बापू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि जब चित्तौड़ आजाद नहीं हो जाएगा तब तक आकाश हमारा छत्र होगा, धरती हमारा बिछौना होगी। हम पतलों में खाएंगे, झोपड़ियों में रहेंगे और हमारे वंशज भी इसी प्रतिज्ञा का पालन करते रहेंगे। चिंगारी आज बनी ज्वाला, ज्वाला अंबर तक जा लपकी, जिसकी लपटों को छू करके घटा की भी आंखें टपकी। पर बुझी नहीं उसकी ज्योति पावन प्रताप प्रतिज्ञा का, कण कण में बीती जली और अली ऐसी आई फिर जीवन जागा। कण विजय फिर से गूंज इक रंग रेश स्वाधीन